के नाराज नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने भविष्य को लेकर कोई फैसला करना है। ये बात वो खुद ही कह चुके हैं और कई बार उनके बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें लग चुकी हैं। कई बार उनके अपने बयान को लेकर सफाई पेश करनी पड़ी है। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछले 2 साल की मेहनत के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने पर और अब आने वाले चुनाव में पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने के बाद वो अवश्य ही कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ओर से उन पर डोरे डालने की कोशिशें की जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह दिया था। रमन सिंह के बयान के बाद सिंहदेव के बीजेपी में जाने की अटकलों पर जब उनसे सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी का दर्शन उनके व्यक्तिगत दर्शन से मेल नहीं खाता, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। उसके बाद रमन सिंह का बयान आया था कि बीजेपी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं लेकिन पार्टी किसी के यहाँ निमंत्रण लेकर नहीं जाती। लेकिन अब लग रहा है कि बीजेपी निमंत्रण लेकर सिंहदेव के दरवाजे पर पहुँच रही है। अब की बार बीजेपी की तरफ से सिंहदेव को साफ तौर पर निमंत्रण दिया गया है, वो भी छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के गुना में राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने टीएस सिंहदेव को बीजेपी में आने का आमंत्रण दिया है। चूंकि वो खुद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बगावत करके कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, शायद उनको लगता है कि उनके साथ बगावत करने वाले कांग्रेसी विधायकों की संख्या कुछ रकम रह गई थी, इसलिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस से नाराज सिंहदेव भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी में शामिल हो जाएं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस में लायक लोगों की कदर नहीं है। टीएस सिंहदेव ने आरएसएस की तारीफ की थी जिसके बाद कांग्रेस को ये नागवार गुजरी है। उनके साथ छल किया गया, उनके साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि बिल्कुल उसी तरह का अन्याय ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ था और उन्होंने शूरवीर होने का परिचय देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें काबिलियत सर्वोच्च होती है, इसलिए उन्हें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेना चाहिए। बीजेपी उनको मान सम्मान वापस दिलाएगी जिसमें छत्तीसगढ़ की जनता का भी हित है। क्या सिसोदिया का बयान इसलिए आया है क्योंकि वो खुद भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे? शायद ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी पिछले दिनों कुछ बयान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की नीतियों को लेकर दिए थे। उन्होंने न केवल सरकार के कामकाज की आलोचना की थी बल्कि लगे हाथों कांग्रेस की दुखती रथ पर हाथ भी रख दिया था। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के घोषणा पत्र बनाने वाले टीएस सिंहदेव को पार्टी नजरअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि उनकी सिंहदेव से बातचीत होती है, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि यदि सिंहदेव भाजपा में आते हैं तो क्या पार्टी उनका स्वागत करेगी, रमन सिंह ने इस सवाल का जवाब बहुत ही नपे तुले अंदाज में दिया था और इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई पार्टी छोड़ता है तब उस पर बात होती है, अभी वो कांग्रेस में है, उन पर कुछ नहीं कहूँगा। सारी बातें सार्वजनिक करने की नहीं होती हैं, कुछ बातें बाद में सामने आती हैं। रमन सिंह के बयान के बाद ही सिंहदेव ने कहा था कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी फिलॉसफी में यकीन नहीं रखते और ये कि उनके जीवन की फिलॉसफी बीजेपी की फिलॉसफी से बिल्कुल अलग है। ख्याल रहे कि रमन सिंह के बयान के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि सिंहदेव और बीजेपी में किसी डील पर बातचीत चल रही है और चुनाव करीब आते ही वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बहरहाल महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने ताज़ा बयान में सिंहदेव के बीजेपी की तारीफ करने की जो बात की थी उसकी पृष्ठभूमि ये है कि सिंहदेव ने अपने एक हालिया बयान में कहा था कि जो मुख्यमंत्री होता है वही चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, वही पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसी क्रम में उन्होंने कहा था कि बीजेपी मजबूत पार्टी है, उसके संगठन में मजबूती है, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आरएसएस के साथ होने के चलते बीजेपी को कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा भले ही शक्तिशाली न हो लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा इसको कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि उन्होंने भाजपा की आलोचना भी की लेकिन उनके इस बयान को भी बहुत सारे लिबास पहनाए जा रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी में उनके शामिल होने का सवाल है, पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ये कह चुके हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी का एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के संपर्क में है और चुनाव नज़दीक आते ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहुतों को यह अंदेशा है
कि राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा चेहरा कहीं सिंहदेव तो नहीं है। भले ही सिंहदेव अपने राजनीतिक जीवन को लेकर कोई फैसला करें, लेकिन एक बात तो तय है कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ पिछले दिनों जिस तरह के बयानात दिए हैं, उनसे नहीं लगता है कि वो कांग्रेस के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।